समुद्र में निगरानी बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के सर्वे वेसल INS संध्या का आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज कमीशन हुआ। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना डॉकयार्ड में मौजूद रहे। मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद महासागर में हम सुरक्षा के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। यहां समुद्री लुटेरों का खतरा बना रहता है। हमने हाल ही में 80 लोगों को रेस्क्यू किया है। हमें लुटेरे बर्दाश्त नहीं है। ये न्यू इंडिया का संकल्प है। INS संध्या की रेंज 11,000 किलोमीटर है। ये बंदरगाहों से लेकर समुद्री तटों तक की निगरानी करेगा। वही जहाज में बोफोर्स गन भी लगी है और जरूरत पड़ने पर इसमें चेतक हेलीकॉप्टर की भी तैनाती की जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि संध्या शिप का मुख्य काम सर्वे और नेविगेशन को बेहतर बनाना है। वहीं समुद्र की गहराई में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करके कई जानकारियां देगा। ये गहरे और उथले पानी में मल्टी बीम इको साउंडर्स प्रोड्यूस करेगा। इसी के साथ ही समंदर में आ रहे किसी भी जहाज को ट्रैक कर सकेगा। वहीं संध्याक में सैटेलाइट बेस्ड पोजीशनिंग सिस्टम भी मौजूद है। साथियों, यदि ग्लोबल ट्रेड वैश्विक व्यापार की बात की जाए तो हिंद महासागर तो वैसे ही एक हॉट स्पॉट के रूप में काउंट किया जाता है। अदन की खाड़ी, गिनी की खाड़ी आदि कई चोक पॉइंट्स हिंद महासागर में मौजूद हैं, जहां से होकर बड़ी मात्रा में इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इन चोक पॉइंट्स पर अनेक खतरे भी स्वाभाविक रूप से बने रहते हैं। बीते दिनों आप जानते हैं कि किस प्रकार से समुद्री लुटेरों ने अरब सागर में हमारे कोस्ट से लगभग 2000 किलोमीटर दूर यमवी लीला नॉर्फक नामक एक जहाज को हाईजैक करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय नौसेना ने अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए उस जहाज को लुटेरों के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। अभी हाल ही में INS इंफाल की कमिश्निंग सेरेमनी थी, उसमें मैंने कहा था कि जो लोग नेफेरियस यानी नापाक एक्टिविटीज, नापाक गतिविधियां, नेफेरियस एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन्हें हम सागर के तल से भी ढूंढ निकालेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। उस बात को आज मैं फिर से दोहराता हूं, समुद्र में चोरी डकैती और तस्करी से जुड़े लोगों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह नए भारत का एक प्रण है।